सीताराम कहाँ से हो? औरैया से हूँ, कानपुर के पास। उत्तर प्रदेश में? उत्तर प्रदेश में। एक मिनट, माइक नजदीक करो। पहली बार आया हूँ? हाँ गुरुजी, नहीं सेकंड बार आया हूँ। पहली बार आया था तो वो रामदेव बाबा आए थे तो दरबार लगाया था तो नंबर नहीं लगा था। अच्छा, अक्षय तृतीया को? हाँ, पर्चा लेकर के आए आप तो? हाँ, पूछो। मेरा बड़ा भाई है, उसने वो लड़की ले आया है उधर से, आसाम से, मुस्लिम है तो वो लेके आया, मतलब अभी शादी वगैरह नहीं की है, अभी रखे हैं, तो वो लड़की मतलब सही है या नहीं है, एक तो ये है, और फिर परिवार में उच्चाटन रहता है बहुत ज़्यादा हम लोगों, मतलब पता नहीं क्या है, और दीदी भी, दीदी की भी तबीयत खराब रहती है, तो हम लोग ये जानना चाहते हैं। नज़दीक आओ, पढ़े लिखे हो? ये क्या लिखा है? माइक नज़दीक करो। पर्ची के चार प्रश्न हैं। पर्चा लाए हैं, पर्ची में चार प्रश्न लिख करके आप लाए हैं। घर से परेशान बनते हैं, उपद्रव बहन की समस्या बनी, बीमारी बनती है, भाई के विषय में भी पूछने आप आए हैं, जो लड़की भगा करके लाए हैं भाई। देखिए, उसमें उपद्रव तो आगे बिदना ही है, लेकिन है तो लवेरिया, है तो लवेरिया, दोनों तरफ से मरण है। अगर आप उसमें विवाह में स्वीकार नहीं करते हैं तो केस का योग बनना है। उधर से परिवार अगर कर लेते हैं तो परिवार वाले उपद्रव करेंगे। फायदा इसी में है, बच्ची ठीक है, कोई आतंकवादी नहीं है, ना कोई उपद्रवी है, ना कोई ऐसी वो नहीं है, एकदम साधारण बच्ची है, लेकिन वो प्रेम का चक्कर है। विवाह कर लेना चाहिए, क्योंकि उसकी मान मर्यादा की बात है। विवाह कर लेना चाहिए, तुम घर पे स्वीकार करो। जब वो अपना घर छोड़कर आई, तुम घर पे स्वीकार करो। बहन को पेट व शरीर में पीड़ा बनती है, आराम लगेगा, उसको दिखाई भी पड़ता है, शरीर में जकड़न भी बनाता है, भूत विद्या का कारण है, उसमें भी कट जाएगा, तुम्हारा भी मन शांत रहेगा, घर का कलेश भी शांत होगा। आशीर्वाद। ऐसा लगता है कोई कोई पूरे, जब हमने बता दिया ना, तंत्र है, जो बहन को दिखता वही है। बात पूरी समझ आ गई? सबके उत्तर मिल गए? बोलो सीताराम। सीताराम, बागेश्वर धाम की जय। कोई फोटो नहीं चाहिए। हाँ, तुम तो सन्यासी बाबा के बड़े भक्त हो। माइक लो। हमें ना दिक्कत होती थी तो जो है ना वो मारने की कोशिश करता था, तो हम ये सोचते थे कैसे ही बचने के लिए कुछ भी करें, तो हम उनका जाप करते थे दिन में, मतलब बहुत बार करते थे, सुबह उठते थे ब्रह्म मुहूर्त में उठ के हम मतलब जाप करते थे बहुत ज्यादा। बहुत आशीर्वाद, जाओ, बुद्धि तुम्हारी ठीक रहे, बहुत भजन करो, है जाओ परिवार को लेकर के आ जाना। आशीर्वाद। पर पूरे परिवार को लेकर धाम पे आ जाना सर। हाँ? पूरे परिवार को लेकर धाम पे आ जाएं। हाँ, उसके पहले ये जो बहन, ये कौन है? हैं? नहीं, ये कौन है? मोहिनी, आ जाओ। बहन को भी बुक कराना ना जी, प्रेतराज सरकार के दरबार में बैठाना जरूरी है। और हम लोगों की फैमिली में मतलब बहन बैठे और हम लोगों को किसी को नहीं बैठना? नहीं, आपने अर्जी लगाई और बहन, ठीक ठीक, भाई को जरूरी नहीं है, हमें भी बैठना पड़ेगा सर जी। सीताराम,